पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे व वर्तमान विधायक अनिता बदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप जड़ा है। अनिता बदेल ने आरोप लगाया कि एक तरफ किसान ओलावृष्टि की मार सहन करने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना की 2115 करोड़ रुपए की किस्त जमा नहीं करवाई गई है, जिसके चलते अब इस फसल खराबे का मुआवजा किसानों को मिलना संभव नहीं होगा। विधायक अनिता बदेल ने आरोप लगाया कि किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा कर सत्ता में आई प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों की दुर्दशा की तरह कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान विपरीत परिस्थितियों में भी अन्न उपजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौसम की मार के चलते उसे सरकार से बहुत आशाएं थी, लेकिन सरकार की कारगुजारी की वजह से ही अब उसे मुआवजे से महरूम रहना पड़ेगा। अनिता बदेल ने चेतावनी दी कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की इस कारगुजारी को देख रही है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, अजमेर में भी आज बारिश हुई है, कल जयपुर में बारिश हुई है और पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से बारिश और ओले गिरे हैं, किसान ये खुश हो रहा था कि मार्च का महीना आ गया है, फागुन आ गया है और उसकी फसल पकने वाली है, अब उसके घर में पैसा आएगा और फसल पकने की जो खुशी किसान को होती है शायद उतनी खुशी उसको और किसी भी अवसर पर नहीं होती। लेकिन जैसे ही बारिश और ओले गिरे तो उन्होंने उसके आंखों में ना केवल आंसू ला करके रख दिए, बल्कि वो बहुत बुरी तरह से परेशान हुआ है कि राम तो रूठा ही रूठा है, राज भी उससे रूठ गया है और राज इस नाते से लूट गया है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किसान किस तरह से संबल प्राप्त करे, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान के किसानों का, कहूँगी मैं, कि ऐसी सरकार बैठी है राज में जिसने किसानों के प्रीमियम की राशि जो 2115 करोड़ रुपया है वो जमा नहीं कराई। ये राशि जमा नहीं होने से किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था बीमे के कारण से, वो मुआवजा अब उसको नहीं मिलेगा। तो ये जब से सरकार आई है तब से इस प्रदेश में किसानों ने सिर्फ दो ही फसलें बोई है, एक खरीफ की फसल बोई है और एक रबी की फसल बोई है, जो रबी की फसल की कटाई अब होने वाली थी, लेकिन दोनों ही फसलों में उनको जो है प्रीमियम की राशि जमा नहीं हुई और इस वजह से उनको दोनों फसलों में मुआवजा नहीं मिला। तो मैं सरकार से इस अवसर पर मांग करती हूँ कि जिस वोट को लेकर के वो सरकार में आए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, ये बात उन्होंने कही थी, तो ना तो कर्जा माफ़ किया है और ना किसानों की प्रीमियम की राशि जमा करा करके उनको नुकसान की भरपाई की जा रही है। तो किसान विरोधी ये सरकार है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषदों का चुनाव हो, किसान इस चुनाव में उनको जरूर सबक सिखाने वाला है।